अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है जैकपॉट फॉर इंडिया एज साइंटिस्ट फाइंड रेयर अर्थ रिजर्व्स इन इंडिया। सो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं ये वीडियो के इसमें क्या मतलब हमें जानने को मिलता है और क्या जैकपॉट मतलब के ढूंढा है इंडिया के लिए साइंटिस्ट ने। सो जल्दी से चलते हैं और वॉच करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर वी गो। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। जो डिस्कवरी हुई है हाल ही में, इसको आप एक जैकपॉट ही कहोगे। जम्मू कश्मीर में लिथियम ढूंढने के बाद एक बड़ी डिस्कवरी करी गई है। लार्ज डिपॉजिट्स मिले हैं 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आंध्र प्रदेश में। ये एक मेजर डिस्कवरी है और इससे भारत को लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होगा, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो, चाहे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे चाइना पर निर्भरता कम करने का मामला हो। क्योंकि चाइना काफ़ी बार क्या करता है कि जिस कंट्री के साथ उनके रिलेशंस खराब होते हैं या फिर जिस कंट्री के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, उस कंट्री को चाइना रेयर अर्थ अपने एलिमेंट्स एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। जापान के साथ इन्होंने ये सब किया था 2021-22 में। फिर जापान ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में माइंस बनाई और अब जापान ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ अपने जो एलिमेंट्स हैं ये इंपोर्ट करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी देशों में भी हम ये डिपॉजिट्स ढूंढें। मगर एक प्रॉब्लम भी है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को जब आप धरती से निकालते हो ना, तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन होने का भी डर रहता है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि इंडिया के लिए ये डिस्कवरी कितनी इंपॉर्टेंट है और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ क्या क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। अन अकेडमी कई महीनों के बाद एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेकर आई है। इस टेस्ट में बस आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आप एक लैपटॉप या अमेजोन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, सही होते हैं, इट डज नॉट मैटर। करना सिंपली आपको क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे करिए क्लिक। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अन अकेडमी की जो ऐप है ये डाउनलोड कर लेना, हमेशा आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएगी। और इस ऐप में जाकर आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा, एनरोल नाउ पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और फिर कल सुबह 11 बजे 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लाइव टेस्ट होगा 11 से लेकर 12 के बीच में। इस टाइम आपको ये टेस्ट अटेंड करना है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अटेंड करना और आपका नाम एनरोल हो जाएगा और आप अमेजोन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं और वेरियस और प्राइजेस हैं। अगर यहाँ पे आपकी रैंक आती है तो आपको और भी बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। अगेन, ऑल ऑफ दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ इसका चार्ज नहीं लगेगा। मगर एक कंडीशन ये है कि आपका जो टेस्ट का अटेम्प्ट है ये सुबह 11 से लेकर 12 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अटेम्प्ट दोगे तो कुछ भी आपको जीतने के चांसेस नहीं होंगे। तो एनरोल करिए यहाँ पर बाय यूजिंग द कोड PE10 और कल सुबह टेस्ट होगा। डू योर बेस्ट इन द टेस्ट, गुड लक टू यू ऑल। अच्छा, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पहले आपको समझाता हूँ कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या है। आपने आई एम श्योर पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना हो, सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका मेंशन है इस टेबल में। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कभी केमिस्ट्री क्लास में कभी तो एक बार आपने देखा होगा ये चार्ट, बहुत फेमस है, चाहे स्टडी ना किया हो पता होगा कि ये एग्जिस्ट करता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चार्ट है ना, इसमें आपको ये 17 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलेंगे जिनको साइंटिस्ट ने अलग से दर्जा दिया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, ठीक है। ये कोई मतलब बिल्कुल निराली चीज़ नहीं है कि ये कोई कॉमेट्स हैं या एस्ट्रॉइड्स हैं, नहीं, ये धरती पर ही है और ये इतने रेयर भी नहीं है। फनी बात, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको धरती में बहुत जगह पे मिलेंगे, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि हम ह्यूमन बींग्स को जो काम निकालना होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसमें हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए होते हैं। हमको ये नहीं चाहिए कि जी कहीं पर रेयर अर्थ एलिमेंट मिल गए मगर यूरेनियम के साथ मिक्स हैं, किसी और एलिमेंट के साथ बहुत ज़रा मिक्स हैं, कि दोनों को अलग करना ही एक बहुत ही ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा।
तो चाइना के बारे में जो आप सुनते हैं, काफी बार आपने सुना होगा कि चाइना पे दुनिया निर्भर करती है, चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। उसका रीजन ये है कि पहली बात तो चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व सबसे ज्यादा हैं, उसके अलावा जो रिजर्व्स यहाँ पर मिलते हैं ये क्लीन होते हैं, प्रॉपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं जो डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए। और सिंस चाइना को अपने एनवायरनमेंट की इतनी परवाह है नहीं, तो ये लोग इस तरीके से रेयर अर्थ अच्छा, छान भी सकते हैं। ये बड़ी अच्छी वीडियो है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, धरती के बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग करने के बाद बहुत सारे इन्होंने रेयर अर्थ के जो रॉक्स हैं, ठीक है, ये निकाल लिए। अब ना इनको छानना होता है, बिल्कुल प्योर आपको रेयर अर्थ चाहिए, जो भी यूरेनियम या फिर कुछ और यहाँ पे जो भी कुछ और मेटल्स हैं उनको अलग करना है। उसके लिए ये क्या करते हैं कि माइनिंग एरिया के पास ही एक बहुत ही बड़ा ये गड्ढा कर देंगे, इसमें ये लोग डालेंगे तेजाब, लिटरली एसिड डालेंगे, और उसके अंदर ये लोग डालेंगे ये पत्थर जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाला जाता है चाइना में। यहाँ पे लिटरली आप ऑक्सलिक एसिड और बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर रहे हो। जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी कोई प्रोडक्शन होती नहीं है, क्योंकि अगेन कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट के सामने खड़ा होगा नहीं, वर्कर्स कहीं से भी ये लोग ले आते हैं। वर्कर्स जो यहाँ पर काम करते हैं लंबे समय तक, प्रॉब्लम्स भी होती है उनको। तो चाइना देखिए ये सब काम करके बहुत ही बड़े स्केल पर रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल लेता है। फाइनल फॉर्म में फैक्ट्री में जाने से पहले रेयर अर्थ मिनरल्स कुछ हद तक ऐसे दिखते हैं, फिर इनको लेके जाते हैं फैक्ट्रीज में, वहाँ पर क्लासिफिकेशन होती है कि अच्छा ये रेयर अर्थ मिनरल कौन सा है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसको कैसे बेचना है। और एक बार इनकी जब प्रॉपरली प्रोसेसिंग हो गई, इनको साफ कर दिया गया, बाकी मिनरल से अलग करके प्योरीफाई कर दिया गया, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये आपके सामने एक सैंपल है लैंथनम का, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, काफ़ी जगह इसका आप यूज़ कर सकते हो लेंस बनाने के लिए, टेलीस्कोप के लेंस बनाने के लिए। अगेन ऐसा नहीं है कि इसका लेंस बनेगा, थोड़ा सा इसका पार्ट लिया जाता है और इसको ग्लास में मिक्स किया जाता है, जिससे ग्लास की स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरीके से रेयर अर्थ का यूज़ किया जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप इस्तेमाल करोगे, अगर आपको स्मार्ट बॉम्ब बनाने हैं, आपको क्रूज मिसाइल बनाने हैं, आपको मिलिट्री ग्रेड के डोर बनाने हैं, नाइट विजन गॉगल्स चाहिए, आपको F-22 फाइटर जेट चाहिए, बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। बुलेट प्रूफ आपको वेस्ट चाहिए, सबमरीन बनानी है, टैंक बनाने हैं, आपको रेडार बनाना है, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ करोगे आप। और ये मैंने सिर्फ मिलिट्री के एग्जाम्पल दिए हैं, सिविलियन पर्पज़ में आप देखोगे आपके लैपटॉप में, टीवी में, इवन बैटरी में, आपकी गाड़ी में, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और चाइना की इसमें महारत है, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी जो प्रोडक्शन है ये भी चाइना बेस्ड है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं। और अगेन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बनी है, ज़रातार आयरन में ना इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है आयरन या फिर स्टील को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब यहाँ पर आपका एक सवाल आ सकता है कि अच्छा मतलब कि भारत में ही बहुत सारी चीज़ें होंगी, टेलीस्कोप हमारे देश में बड़े सारे हैं, हमारे यहाँ गाड़ियाँ भी है, हमारे पास बैटरीज भी हैं, मिलिट्री बहुत सारी आइटम्स है हमारे पास, तो जब ये चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, जब ये स्क्रैप बन जाता है, तो हम इससे रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, रेयर अर्थ इससे अलग क्यों नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, चाइना ये सब करता है, बहुत से देश करते हैं, मगर हम लोग करते नहीं है। ये मुझे याद है मोदी जी ने इस पर कंप्लेन भी करी थी, हमारे देश पॉसिबल क्या नहीं, रेयर अर्थ वाली चीज़ें बहुत सारी है, मगर हमारे यहाँ स्क्रैप डीलर्स को इतनी जानकारी नहीं होती कि जो चीज़ इनके सामने है इससे रेयर अर्थ निकाल करना और कमाई कैसे करनी है। हमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रैपिंग होती है वो प्रोडक्टिव नहीं है, एनर्जी रिकवरी ना के बराबर है, हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉयज की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती, और जो कीमती मेटल है उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती। अब जब एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आधारित स्क्रैपिंग होगी तो हम रेयर अर्थ मेटल्स को भी रिकवर कर पाएंगे। ना ये बात सुन के आप में से कई लोगों को सरप्राइज हुआ होगा कि हमारे यहाँ
जो गाड़ियां हैं, जो बैटरीज हैं, उससे हम रेयर अर्थ निकाल भी नहीं पाते। कई और देश कर रहे होते हैं, हम लोग नहीं कर रहे होते क्योंकि नॉलेज नहीं है। ग्राउंड लेवल पे लोगों को पता नहीं होता कि रेयर अर्थ है क्या, इनका यूज क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। इंडिया में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को स्क्रैप से बाय करने वाले जो लोग हैं उनकी कमी है। क्यों? नॉलेज की कमी है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आपको मैं बता देता हूँ। गुरु मंत्र है जिंदगी का, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना लर्न करोगे उतनी कमाई करोगे। जिंदगी में कभी भी सीखना मत छोड़ना। आगे जाके लखपति करोड़पति बहुत तरक्की करोगे, आगे निकल जाओगे, मगर लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म मत करना, क्योंकि जितना लर्न करोगे उतना ग्रो करोगे। तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रेयर अर्थ के मामले में इंडिपेंडेंट रहे। जो क्वाड देश है, जो चार क्वाड कंट्रीज है, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चारों कंट्रीज ने कोऑपरेशन भी कर रखी है इन द फील्ड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चारों कंट्रीज चाहती हैं कि चाइना पे निर्भरता बिल्कुल खत्म कर दी जाए, और ये पॉसिबल करने में मैं कहूँगा कि इंडिया में जो डिस्कवरी हुई ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, इसका बहुत ही ज़रा क्रिटिकल रोल रहने वाला है। क्योंकि आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते, चाहे कम्युनिकेशंस का मामला हो, फाइबर ऑप्टिकल केबल बनानी है, लेजर बनाना है आपको, आपको रेडार बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चीज़ें बनानी है, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको यूज़ करने होंगे। तो जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ये 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं, इससे डेफिनेटली हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, मगर अभी थोड़ा ना देखना पड़ेगा। अभी हम बहुत आप कह लीजिए धरती के अंदर डीप गड्ढे करेंगे, वहाँ पे हम पहले पता करेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो डिपॉजिट है कितना बड़ा है, टोटल कितना बड़ा है, यहाँ पे कितने टनों में अवेलेबल है। उसके अलावा ये किसी और चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स तो नहीं है, क्या ये क्लीन है। फिर हमको देखो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज वगैरह वो भी देखनी पड़ेगी, चाहे लिथियम का केस हो या फिर रेयर अर्थ का केस हो। चाइना को बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ पर कोई NGO या फिर कोई एनवायरमेंट के इशू को लेकर कोई प्रोटेस्ट होते नहीं है। तो अभी देखो रास्ता काफी लंबा है। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो एंड होती है, और नरेंद्र मोदी जी की बातें आपने सुनी हैं कि कितने एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको नॉलेज है कि क्या चीज पर वर्क करना है, किसके ऊपर फोकस करना है, और कौन सी चीज हमें आने वाले वक्त में हमारे लिए बेहतरीन हो सकती है। और आई थिंक कि इन मिनरल्स को निकालने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेप लिया है, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर हम बात करें कि मोदी जी ने इसके बारे में बात की है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है कि चाइना के पास हर चीज मौजूद है तो दूसरी कंट्रीज के पास नहीं है, स्पेशली भारत के पास नहीं है। जहां तक मुझे आइडिया है और मैंने मेरी नॉलेज में है, तो भारत एक ऐसी कंट्री है, बल्कि मैं एशियन कंट्रीज को कहूंगी कि हमारी स्पेशली जो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा माली, अगर हम इन कुदरती नेचुरल चीजों की तरफ देखें तो बहुत ज्यादा लकी हैं कि इनके पास हर चीज मौजूद है। और बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि शायद देर से थोड़ा सा खोज करते हैं, ये प्रॉब्लम है। चीजें तो हैं, कोल भी है, गोल्ड भी है, नमक की काने भी हैं, हर चीज मौजूद है, लेकिन रिसोर्सेस कम होने की वजह से डिले हो जाता है उसको फाइंड आउट करने में, या फिर इतना ज्यादा खोज नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये चीजें थोड़ा डिले होकर मिलती हैं। जब मोदी जैसे लीडर्स जो हैं वो आते हैं तो उनकी वजह से फिर बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए दिखती हैं। बट आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि चलो लेट आए दुरुस्त आए, अब मिनरल्स के ऊपर काम किया जा रहा है और इन सारी चीजों को अवेल किया जाएगा। सो आई थिंक चाइना के होने से, चाइना में ये सारी चीजें होने का मतलब ये नहीं है कि भारत के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन खोज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन चाइना इस चीज में थोड़ा ज्यादा माहिर है, वो इस चीज को ज्यादा फोकस करता है और वो इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट भी लेता है। जैसे कि कोल की अगर आप बात करें तो वो तो अपनी कंट्री क्या पाकिस्तान में आकर अपना सिस्टम बना के बैठा हुआ है कोल के लिए थर में। तो कहने का मतलब ये है कि वो नेचुरल जो चीजें होती हैं वो नहीं छोड़ता, भले वो पाकिस्तान में हो, भले वो उनकी अपनी कंट्री में हो, तो वो इन चीजों में काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन आई थिंक कि लेट आए दुरुस्त आए, और अब जो है इंडिया में भी ये सारी चीजें होंगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि
इंडिया इज टोटली डिफरेंट कंट्री एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि इंडिया मैं समझती हूँ कि सोने की चिड़िया है, क्योंकि उसमें आपको खेत, अनाज, मसाले, आपको गोल्ड, आपको नमक, हर चीज आराम से, मतलब कि अगर आप करो तो हर चीज आपके लिए अवेलेबल है, हर रंग, हर मौसम, हर चीज। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है उसमें काफी आपको चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि आप अगर चाइना से कंपेयर करें तो चाइना उस मामले में बहुत पीछे है। लेकिन बस ये है कि चाइना खोज वोज करके कर लेता है, अगर उनके पास नहीं होती तो वो दूसरे पड़ोसी मुल्कों में घुस जाता है दोस्ती का नाम देकर और फिर उन लोगों से निकलवाता है। तो एनीवेज बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने जिस तरह से ये स्टेटमेंट दी है और इस पे काम हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये पता चला है लैंथेनम से जो है वो लेंस बनते हैं, ये मुझे पता चला। अच्छा, मुझे लग रहा था कि वो लेंस ये वाले बनते हैं, आंखों वाले, इन बाद में पता चला वो कैमरे वाले शायद लेंस बनते हैं। एनीवेज ओवरऑल काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वर्ल्ड अफेयर की और वो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझसे अपने जो है वो रिव्यूज शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।